और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर हाईवे पर 3 संदिग्ध बैग देखे गए हैं। सड़क के किनारे ये बैग पड़े मिले हैं, उसके बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी है, सेना वहां पहुंच चुकी है और अब तलाशी जारी है कि आखिरकार ये बैग कहां से मिले, इसमें क्या है, इन सब पहलुओं पर वहां पर जांच जारी है। आपको बता दें जम्मू श्रीनगर हाईवे जहां पर ये 3 संदिग्ध बैग जम्मू कश्मीर हाईवे पर मिले हैं सड़क के किनारे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और अब छानबीन इस बाबत कि आखिरकार इस बैग में क्या था, इसको लेकर छानबीन अब शुरू हो चुकी है। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3 बैग संदिग्ध मिले, लोगों ने पहले इसको देखा और सबसे पहले जाकर पुलिस को जानकारी दी। सड़क के किनारे ही ये संदिग्ध बैग पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी है, सेना की टीम मौके पर मौजूद है और छानबीन इस दिशा पर कि आखिरकार ये बैग कौन छोड़ के गया और इस बैग में है क्या। पवन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, पता चला इन 3 बैगों में क्या है? देखिए, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मौके पर पहुंची हुई है। सेना कार को बुला लिया है, डॉक्टर कार भी मौके पर पहुंचा हुआ है। पूरा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ नगरोटा के पास जगती इलाका है, वहाँ पर ये बैग मिले हैं। पूरे एरिया को पार्टन भी किया गया है, क्योंकि बिल्कुल जिस इलाके में ये बैग मिले हैं उसके पास ही सेना का एक बहुत बड़ा नगरोटा कैंप भी है और इस वजह से संवेदनशील एरिया होने के चलते पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है। पवन, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली कि 3 बैग वहाँ पर पाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल रोड के किनारे 3 बैग थे, जो रास्ते थे उन्होंने जब देखा तो पुलिस उन्होंने सूचित किया, तो एस एच ओ ने रोका, पहले अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद एस एच ओ ने टीमों को बताया है और लोग आसपास जो सिविलियन लोग हैं उसकी आवाजाही को रोका जा रहा है, जो गाड़ियां हैं उनको रोका गया है। जब तक पूरे इस मामले की जांच नहीं हो जाती कि आखिर बैग में है क्या, उसके बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जाए। तो इस बाबत अभी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार इस बैग में है क्या, लेकिन आपको बता दें सड़क किनारे ये संदिग्ध बैग मिला, जिसके बाद अभी वहां आवाजाही रोक दी गई है और साथ ही साथ तलाशी ली जा रही है उस बैग की।